टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें केस वन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एन ब्रैकेट में, अगर माइनस ले रहे हो तो ब्रैकेट में वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, माइनस नहीं ले रहे हो तो जी एम एम ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। आज अपन केस टू लेंगे। केस टू, इफ अ बॉडी इज मूव फ्रॉम सरफेस, if a body is moved from the surface of the earth to the height h above the surface of the earth, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला जी एम एम ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। चेंज जो हम करने जा रहे हैं इट इज जी एम एम, कहां से कहां तक जा रहे हैं तो बोले पहले जो है वो सरफेस पर है यानी रेडियस आर हो गया, बाद में हमने उसको हाइट एच तक पहुंचा दिया यानी आर प्लस एच हो गया। तो आर वन की वैल्यू हमें आर मिली है, R2 की वैल्यू हमें R plus H, तो डेल्टा U is equal to GMM ब्रैकेट में 1 upon R minus 1 upon R plus H। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ले रहे हैं डेल्टा U is equal to GMM, यहां से मेरी कोशिश है कि पहले मैं कैपिटल R को कॉमन निकालूं, मेरे पास एक ये फॉर्मूला आ चुका, लेकिन ये फॉर्मूला मेरा डेरिवेशन नहीं है, मुझे पूरा एक अच्छा सा डेरिवेशन निकाल के देना है, एक अच्छा सा फॉर्मूला निकालना। R कॉमन निकालने के लिए ये वाला R तो मुझे डायरेक्ट कॉमन मिल गया, यहाँ पर बचा 1 माइनस, लेकिन यहाँ से मेरे पास में R कॉमन नहीं निकलेगा, R कॉमन नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R। तो अब ये वाला R मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर मेरे पास एक R बच गया, इट इज R अपॉन R प्लस H, समझ में आता है। तो अगर कोई चीज नहीं है और उसको कॉमन निकालना है तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें करना पड़ता है। अब इस पूरे को हम लोग डिवाइड बाय R करने जा रहे हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर वन माइनस ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज R बाय R अपॉन में ये वाला भी R by R plus यहां पर भी H by R, ठीक। Delta U is equal to GMM upon R 1 minus R by R की जगह 1 upon R by R की जगह 1 plus H upon R, ठीक। अब हम ये h by r वाला जो पूरा हमारा टर्म है 1 plus h by r इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इट इज 1 minus, बोलो ये ऊपर जाएगा क्या होगा, 1 plus h by r raised to minus 1, ये वाला 1 है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 1 multiplied by 1 plus h by r, ये ऊपर गया तो पावर हो गया माइनस वन। अब क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम, बढ़िया, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से 1 माइनस, यहाँ जो हमारे पास 1 प्लस एच बाय आर है इट विल बी रिटन एज 1 माइनस एच बाय आर, ये जो माइनस 1 है ये आ जाएगा इज 1 माइनस एच बाय आर, ये हमने खत्म किया। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर, वन ये वाला माइनस ये वाला ब्रैकेट खोला, वन माइनस इनटू माइनस प्लस एच बाय आर, वन और माइनस वन कट हो गया, मेरे पास बचा डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम प्लस, नहीं ब्रैकेट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन आर इनटू आर आर स्क्वायर। अब
कुछ याद आएगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू स्मॉल वाला एम जीएम अपॉन आर स्क्वायर की जगह जी और ये वाला एच पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा दें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एम जी एच। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं आप एम जी स्क्वायर, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। कब होता है, व्हेन इट हैज सम हाइट। यही बात हम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा यू। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, बोले पहले रखा हुआ था अर्थ के सरफेस पर, अब हमने उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कितना ऊपर कर दिया बाय हाई एच। तो जो फॉर्मूला बनता है वो डिराइव करके दीजिए। तो फॉर्मूला बना हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। चलिए हेडिंग लिखिए डिफरेंट टाइप्स को कैसे लिखेंगे, रहने दो। हेडिंग में लिख लो इनर्शियल मास, अच्छा नहीं लगेगा डिफरेंट टाइप लिखना। हेडिंग लिखिए इनर्शियल मास, आंसर लिखिए इट इज रिलेटेड टू द, इट इज रिलेटेड टू द inertia of an object and its linear motion next line mein inertial mass of a body is equal to, here ही लिख रहे हैं is equal to, पूरा लिखना sign नहीं लगा के छोड़ देना, inertial mass of a body is equal to magnitude of external force required to produce unit acceleration produced in the body ठीक। नेक्स्ट लाइन इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ द बॉडी, चलो बोर्ड पे पहले समझ लेते हैं फिर आगे लिखने का काम करेंगे। हम लोग दो तरह के मासेस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ये ना मास तो मास है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ना। मैंने अभी आपको एक ऑब्जेक्ट बोला कि ये लो ऑब्जेक्ट, अब इसका इनर्शियल मास के बारे में एक्सप्लेन करो और ग्रेविटेशनल मास के बारे में एक्सप्लेन करो, आप क्या बोलोगे, बोले मैम ये तो ऑब्जेक्ट है इसको रखो वेइंग मशीन पे पता चल जाएगा इसका मास कितना है। अलग अलग मास की बात क्यों करी जा रही है, अलग अलग मास की बात करी जा रही है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें मालूम पड़े कि इनर्शियल मास किसे बोलते हैं और ग्रेविटेशनल मास किसे बोलते हैं। इनर्शियल मास का मतलब द मास विच डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया का मतलब टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। हम उसके एक्चुअल मास की बात नहीं कर रहे कि ये कितना भारी है या इसका वजन कितना है, वजन वर्ड आते ही तो वो वेट बन जाएगा, इट इज नो मोर मास। समझ आ रहा है, द एक्चुअल कंटेंट एक्चुअल मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। अब द पावर द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अपन ने बोला कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी इन
less. If it is in motion, it continues to be in motion until and unless external forces applied to it. Inertia word aate force chahiye. Force bhi kaun sa chahiye? External hona chahiye. So that force is equal to mass into इतनी कहाँ नहीं समझ पे आती ये मास कौन सा गिनने जा रहा है हम इनर्शियल मास हमने बोला कि व्हाट इज इनर्शियल मास सेकंड वाली डेफिनेशन मैंने आपको जो लिखवाई इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट यही आपने लिखा देखिए एम आई इनर्शियल मास इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स जब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वन एक यूनिट एक्सेलरेशन अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज इक्वल टू इनर्शियल मास मेन बात एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए एंड इट डिपेंड्स ऑन लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो मोशन भी कौन सा होगा लीनियर ठीक तो जो भी आपका इनर्शियल मास है दैट डिपेंड्स ऑन external force and linear acceleration हमने बोला linear velocity linear motion ये language अपन लोगों ने लिखी ठीक उसके बाद अपन ने बोला कि it increases with the speed of the body m is equal to m zero equation पढ़िए one c square का under ठीक है ये इक्वेशन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमारे पास में आता है कि इट इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ द बॉडी ये भी स्पीड ऑफ द बॉडी सी स्पीड ऑफ द लाइट अगर वी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा ओवरऑल आंसर जो हम लोग लेके चलेंगे दैट विल इंक्रीज क्यों क्योंकि वी की वैल्यू बढ़ेगी तो सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी तो वन में से जब माइनस करोगे तो आंसर छोटा आएगा नीचे का आंसर छोटा तो पूरा आंसर बड़ा समझ में आती है तो बोला बोला मैम बी स्क्वायर से क्या लेना देना तो हमने पूरा ओवरऑल समझाया क्योंकि एम जीरो जो है दैट इज द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वन अपने आप में कांस्टेंट हो गया सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये भी कांस्टेंट हो गया खाली चेंज कौन हो सकता है ठीक है तो ये जो हमारी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो अगर चेंज होगी देन द मास कैन चेंज इसमें से कोई फॉर्मूला आपको लिखना है तो देख लीजिए